आज 15 मार्च 2022 मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये इशू है कि किस तरह से एक फॉल्स नैरेटिव चकमा और हाजोंग लोगों के अगेंस्ट में वर्षों से जो है चलाया जा रहा है, एक इल्यूजन ऑफ ट्रूथ क्रिएट किया गया है। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, स्पेशली अरुणाचल टाइम्स, अरुणाचल एज, ईस्ट मोजो या ईस्टर्न सेंटिनल, इसमें यह खबर छपी है कि कल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल पेमा खांडू जी ने एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर मोर देन 65,000 चकमाज एंड हाजोंग रेफ्यूजीज इन द स्टेट, और उन लोगों को जो है स्टेट गवर्नमेंट बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करती है। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू जी ऑफिशियली चकमा और हाजोंग लोगों को रेफ्यूजी मानती है, उन लोगों को सिटीजन्स रिकग्नाइज नहीं करती है। और ये बात को जो है वो लोग हजार बार लाखों बार दोहराते हैं ताकि लोग जो है इसको सच मानने लग जाएं। प्रोपेगेंडा का जो बेसिक रूल ये तो है कि एक झूठ को आप इतने बार बोल दो कि लोग उसको सच मानने लग जाएं। तो बेसिकली सालों से यही हो रहा है, इसी झूठ को जो है दोहरा जा रहा है, बार बार लोग इसको दोहराया जा रहा है, छपा जा रहा है पेपर में। तो ये झूठ जो है चल रही है, चलती जा रही है। सच्चाई ये है कि 90% एंड मोर चकमा एंड हाजोंग पीपल ऑफ अरुणाचल आर सिटीजन्स बाय बर्थ। और ये मैं अपने आप बना के नहीं कह रहा हूं, ये मेरी मन ग्रंथ बात नहीं है, ये भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात को पुष्टि करती है। आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3 उठा के देख लीजिए, जिसके तहत जो है मोर देन 90% ऑफ चकमाज एंड हाजोंग्स जो है बाय बर्थ सिटीजन्स है। लेकिन सरकार जो है इस बात को नहीं मानती है, सरकार जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को सॉल्व करना नहीं चाहती है। आप सोचिए, अगर चकमा और हाजोंग लोग सिटीजन्स नहीं होते तो 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट क्यों चकमा और हाजोंग लोगों को स्टेट इलेक्टोरल रोल में एनरोल करने के लिए ऑर्डर देता, जिसके बाद जो है चकमा और हाजोंग लोगों को इलेक्टोरल रोल में एनरोल किया गया। और आज के दिन देयर आर मोर देन 5,000 चकमा एंड हाजोंग पीपल हु आर वोटिंग इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंड असेंबली इलेक्शंस। तो चकमा लोग कैसे रेफ्यूजी हो गए भाई? लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानेगी, सरकार चकमा और हाजोंग लोगों को रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है कि दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डिस्पाइट लॉ, लॉ के कहने के बावजूद जो है गवर्नमेंट डू नॉट रिकॉग्नाइज चकमाज एंड हाजोंग्स एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये सरकार जो है, लोग जो है इस मुद्दे को क्यों समाधान नहीं करना चाहते हैं? बेसिकली इसमें एक ही चीज है कि इस चीज को जो है पॉलिटिशियंस लोग जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उछालते हैं, बार बार उछालते हैं, और उनको जो है पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल फायदा मिलते हैं, मिलता रहता है। कितने जो है स्टूडेंट लीडर्स इस मुद्दे के सहारे, चकमा हाजोंग इशू के सहारे एमएलएस बने, एमपीस बने, इवन चीफ मिनिस्टर भी बने, और आगे भी जो है ये लोग बनते रहेंगे। इसलिए जो है ये मुद्दा को जो है ये लोग दे डोंट वॉन्ट टू रिजॉल्व इट। तो प्रोपेगेंडा यही है कि चकमा लोगों को कभी भी रिकग्नाइज मत करो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डिस्पाइट द लॉ सेइंग दैट दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ, क्योंकि
ये मुद्दा गर्म रखने से, ये मुद्दा सॉल्व नहीं करने से जो है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को जो है उनको माइलेज मिलता है। लेकिन हम सबको जो है ये प्रोपेगेंडा समझना जरूरी है और सच्चाई को जो है लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। थैंक यू।